आपकी होते हुए आउटलुक में आपकी इस पे आ जाता है सीएफ। पहले एम इंस्टॉल चला दो सर, उसके नीचे अंडरलाइन करो, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। ये पूछे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, यही फाइल होता है एटीसी पोस्टफिक्स विंडोज सीएफ। कमांड बैठा पिछले टाइम कमांड है नहीं, सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है जो इसकी मेन डायरेक्टरी होती है वो ईटीसी पोस्टफिक्स होता है। जो डायरेक्टरी है वो ईटीसी एसर पोस्टफिक्स, उसी के अंदर सारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा जो तुम्हें चेंजेस करना है। इंस्टॉल हो गया सर, खोलो फाइल को, कैट करके खोलो, सीडी करके जाओ, कैट करो, वी आई करना है। ये तो तीनों तरह से खोल सकते हैं ना सर, इसको कैट करके ओपन करके देख नहीं सकते हैं। मैंने बोला खोलने के लिए, देखने के लिए नहीं बोला। वीआई लिख दे भाई, मैं सोच नहीं, मैंने वो बताया, नाम बताया है, मैंने वीआई करने के लिए नहीं बोला, वो तो मैंने बताया कि मेन फाइल ही होता है। अब हम ये चेंज करना हो, डिलीट करना हो, हटना हटना कुछ भी करना हो, क्या पोस्ट फिक्स फिक्स मेन डॉट सीएफ है ना सर, खुल गया सर। तो इसमें क्या चेंज कर सकते हैं सर, गया? हाँ। अब नीचे आओ, लाइन नंबर कर दो, लाइन कर रहा हूँ। एसी एनी था ना सर, था मैंने एस ई एन ई आ गया सर। 83 नंबर लाइन पे जाना तो क्या दिखा रहा है, 83 इधर जो 83 पे है सर, माय डोमेन हैश है, आगे लगा हुआ हाँ हैश लगा हुआ है, हैश को हटाओ, हट गया। माय डोमेन इक्वल टू आगे का लिखा है डोमेन डॉट टीएलडी, वहां पे चेंज करो नाम उसका, डॉट कॉम पे टीएलडी नाम डाल दो, उसे भी रहने दो सर, उसे भी रहने दो ना, यहां पे कर देना दूसरा, तो नाम डाल दो एग्जांपल डॉट कॉम कर दो या गूगल डॉट कॉम कुछ भी डाल दो, एग्जांपल डॉट कॉम इंडिया डॉट कॉम कुछ भी डाल दो नाम के लिए। ये नहीं है सर, कहाँ चले गए, इस फाइल में कभी भी चेंज करने से पहले ना इसका सीपी करके बैकअप रख लेना, याद रखना। वही तुम्हारे लिए फाइल है, एक सेकंड रुकना पड़ेगा सर, तब मैं कर लेता हूँ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें प्रिकॉशन दिए, तुम कभी टेस्ट कर रहे हो ना, बिल्कुल सर हाँ, तुम करो अभी और कर लेता हूँ सीपी से, पता चला किसी को गड़बड़ होगी। समझ में आया क्या किया मैंने, तो आर जी में कॉपी कर दिया, हाँ तो सर विदाउट कॉपी किए भी तुम यहाँ पे दूसरा करके कर सकते थे, क्या कर सकते थे जैसे ही काम। अबे नहीं यार, तो दूसरा दूसरे दिमाग से सोच रहा हूँ, बोल हम लोग क्यों किए थे, वो यहाँ इसको बोल रहा है जो को, वो तो एक ही चीज का होगा ना, वो पूरे चीज को पूरा कर लियो,
पूरे कॉपी कर लिया हूँ। एग्जाम्पल डॉट कॉम लिख दिया सर, आप नीचे आके जाओ। सेंडिंग ईमेल को हटा दो, मैं ना कुछ नहीं करना, जो बोला मैं वही करना। ठीक है सर, नीचे आओ 99 नंबर पे। क्या है ये? है मोरोगिन। क्या है? माय ओरिज ओरिजिन इक्वल टू इसकल टू माय डोमेन। इस लाइन को हैश हटाओ। हटा दिया। यहाँ पे डॉलर माय डोमेन का मतलब क्या हुआ समझे? जो तुमने डोमेन ने ऊपर डिफाइन किया है ना, उसका वेरिएबल यहाँ पे उठा लेगा। अच्छा, जैसे एग्जांपल मैंने दिया, जैसे एग्जांपल डॉट कॉम दिया, जो भी दिया हो तुमने जी, जैसे मैंने लिख दिया सपोज दैट, डॉलर का मतलब कोई भी उठा लेगा। जैसे मैंने कोई भी मैं स्क्रिप्ट बनाएंगे ना, तो नाम डिफाइन कर देंगे बी इज इक्वल टू विवेक, एम इज इक्वल टू मुन्ना, मुन्ना ए इज इक्वल टू अमर, अमर। हमें बार बार कहीं पे भी अमर लिखने की जरूरत नहीं है, विवेक और मुन्ना लिखने की जरूरत नहीं है। केवल कहीं भी कॉल करना होगा ना किसको, तो मैं कॉल कर लूंगा वी को, वी को डॉलर वी। तो जो बी से मिलेगा वेरिएबल डिफाइन होगा वही डिस्प्ले कर देगा। इससे हमारा क्या होगा, टाइम बचेगा ना बार बार हमें लिखने से। अभी मान लीजिए बहुत बड़ा कमांड है, उस कमांड को 3-4 बार कॉल करना है, हम उसको क्या करते हैं वेरिएबल में लेते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल हम माई को किए हैं बस, तो यहाँ वेरिएबल में तो यहाँ डिफाइन है ना माई डोमेन इक्वल टू एग्जाम्पल डॉट कॉम, तो माई ओरिजिन इक्वल टू माई डोमेन आ गया। तो यही वाला यहाँ पे आ गया, समझ लो। अगर ये वाला जो बताए हैं वो कैसे करेंगे हम लोग, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल दे, सेल्स स्क्रिप्ट बनाओगे ना, कौन बनाओगे, जरूरत पड़ेगी इसकी। कुरान अभी हम लोग कमांड लेवल को बस जानते हैं सर, स्क्रिप्टिंग मतलब केवल कमांड का करते हैं, ये सर नहीं किया कभी। कैसे करें? फिर आ जाए 116 लाइन पे आगे सर, यहाँ पे जो है इंटेन इंटरफेस, हाँ यहाँ पे क्या है, ये है लोकल होस्ट, लोकल होस्ट इसको ऑन कर दो, ऐसे कर दो। ये हट गया है, पहले से हटा हुआ, पहले से हटा हुआ, हटा हुआ है। अब नीचे आ जाओ, उसी की दृष्टि से 119 लाइन पे आईनेट प्रोटोकॉल, आईनेट प्रोटोकॉल ऑल, ये भी हटा हुआ है। और नीचे जाओ 165 लाइन पे, 165 पे है सर माई डेस्टिनेशन, हट गया सर, वही आ गया ना माई डोमेन। हाँ ये है माई होस्टिंग, माई डेस्टिनेशन में लोकल होस्ट, माई डोमेन। हाँ उसमें उसमें काम करो, सब हटा दो लास्ट का, केवल डॉलर माई डोमेन रहने दो। माई होस्टिंग हटा दो, सब हटा दो, सिर्फ माई डोमेन रहने देना। हटा दिया सर, ठीक है, डॉलर माय डोमेन बस। अब नीचे आ, कितने पे हम लोग लिख भी ले, वही वही पे करना पड़ेगा। 314 पे आ गए सर, रिले होस्ट है सर, रिले होस्ट इक्वल टू ए है, कमेंट है नहीं, कमेंट है 314 पे।
गेटवे माय डोमेन नहीं, रिले होस्ट इक्वल टू गेटवे डॉट माय डॉट डोमेन हटा दिया नहीं तो 114 पे नहीं है सर, ये है और 13 पे है कहाँ चला गया ये ऊपर चला जाता है पता नहीं 314 यहाँ पे एक कम हो गया ना रिले होस्ट माय डोमेन हो गया सर बता दे रहा हूँ हो गया सर बाहर आ जाओ क्या हुआ सिस्टम हो गया सर इसको चेक करने का कोई तरीका मेल क्यू आ रहा है मेल क्यू है एम ए आई करके मैं टैब डाला तो मेल क्यू आ रहा है एल क्यू मेल कर दूं हो रहा सर मेल हाँ एम ए आई एल आ गया आउटलुक का आउटलुक का डाल रहा हूँ मोना डॉट ठाकुर एड्रेट vkr.com डाल दिया सर vkr.com मेल डाल दिया मोना डॉट ठाकुर एड्रेट vkr.com सब्जेक्ट पूछ रहा टेस्ट हाँ लिख रहा हाय लिखो पूरा सब्जेक्ट दिस इज टेस्ट ईमेल हाँ आगे आप कमेंट चलाओ
टेल स्पेस हाइफन एफ। अच्छा ये तो क्रोन में चलता है सर, एक सेकंड से। टेल स्पेस हाइफन एफ ईओटी लिखना है सर। अबे हा? नहीं यार, हाँ टेल स्पेस हाइफन एफ स्पेस वायर वायर लॉग मेल लॉग एम ए आई मेल साथी के साथ लॉग एल ओ जी मेल लॉग टाइम मारो ना पता लगेगा। अच्छा 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 एम ए आई मेल आ रहा है, मेल लॉग ही होगा, केवल मेल आ रहा है सर। वायर लॉग बोला था मैंने, वायर लॉग क्या लिख रहे हो, वेयर टाइम मारो लॉग 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 मेल लॉग मेल लॉग मेल कैसे आ गया, मेल का टैब आ गया। हाँ मेल किया ना सर, टैब मेल आ रहा है, लॉग लिखो ना। हाँ इंटर मारो, एक क्रोन जैसा चलेगा क्या सर, देखो इसमें क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है मुन्ना ठाकुर रियली नॉन डील डेली 30 डीले जीरो डीएनएस नहीं गया क्योंकि ये वैलिड डोमेन नहीं है example.com। अच्छा क्या दिया यहाँ पे कनेक्शन टाइम आउट, काम करो चेंज करो, देखो वीक यार आई प्रेस किया नहीं तो लिखना शुरू होती है वीकेयर कॉरपोरेशन COR POTIO नहीं नहीं PORAT POR AT IOM corporation.com वीकेयर कॉरपोरेशन.com। हाँ ठीक है आपसे स्टार्ट करो। पोस्टफिक्स को रीस्टार्ट कर लिया सर, दोबारा मेल भेजना, भेजो इसको मेल भेजो ना, इसको बंद करो कंट्रोल सी करो, तो जो मैंने कमांड बताया था मेल कमांड शुरू से फिर से करना है ना। भेजो लिखो, ये मेल चेक करने के लिए कमांड है डॉट लगाओ, अब वही टेल वाला कमांड चलाओ, उसमें कनेक्शन डिफ्यूज आ रहा था ना। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे कनेक्शन टाइम आउट क्यों दे रहा है, चेंज कर लिया था ना, एग्जांपल वाला लिखा था ना। हाँ एग्जांपल वाला था।
वेरीफाई कर लिया, यही है ना सर? चल तो क्या लग रहा, हीरो तुम्हारे मोबाइल पे आएगा ना? नहीं, मेरे सिस्टम पे जाएगा। सिस्टम पे जाएगा? सिस्टम में आने है। वहाँ पे जाएगा सर? चला जाएगा सर, देखो ना मैं। आपका डाल कर देखूँ क्या सर? हाँ, इससे पता चल जाएगा। जे कैप्स में है सर? हाँ, KASH @ vkmail.com PRA है ना सर? PRA प्रकाश जे कैप्स में नहीं है सारा स्मॉल में। हाँ, जे जय लिखा हूँ, JAY.PRAKASH@vkmail.com। मेल हम इसी तरह से भेजते हैं? अभी नहीं है, टेस्टिंग के लिए। क्या सब्जेक्ट लिख रहा हूँ? हाय, वहाँ से गया कि नहीं गया? अभी नहीं चला। चल गया सर। आया? तुमने पोर्ट अलग कर रखा है, सारे पोर्ट है इसमें, कहाँ कोई गलत है? क्या दिखाया, दिखाना मेरे को? इनबॉक्स में तो नहीं जाएगा ना? नहीं, वेरिफिकेशन फेल दिखा रहा है ना, देख रहे हो? जो हमारा डैन का जो ईमेल सर्वर है ना, उसको ना ब्लॉक कर रहा है ये, समझ गया? उसको कह रहा है कि ये सही नहीं है, जिस होस्ट से तुम भेज रहे हो। हमने नाम रख दिया इसका vkcorporation.com। हमारा vkcorporation.com में मशीन थोड़ी ना है, मशीन तो हमारा दूसरा है। पर्सनल ईमेल पे जाएगा सर?
और एक्सटर्न टाइम आउट पूछे कि इस सर्वर पे कोई पोर्ट ओपन है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे? टेलनेट कमांड होता है। कैसे? ये तो आप इंस्टॉल कर दिए सर, चेक कैसे करें? टेलनेट कमांड, टेलनेट उस सर्वर का आईपी और उसका पोर्ट नंबर हम डाल के देखेंगे। अगर ऐसे दिखा रहा मतलब कि कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, कनेक्ट हो जाएगा तो दिखा देगा, दिखा आ जाएगा कनेक्टेड। अब तो इंस्टॉल हो गया, तो कनेक्ट होना चाहिए। नहीं, एक ये सिर्फ पोर्ट देखने के लिए, पोर्ट कहाँ कनेक्ट हो रहा है vkcorporation.com वाला जो डैन का सर्वर है ना, vkcorporation.com कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ से। इसका पोर्ट कैसे देख लिए सर आप? पोर्ट नंबर 25 ही होता है ना, देखो मेल नहीं है यहाँ पे, नहीं आ रहा है। ये देखो ना 25 कनेक्शन टाइम। जीमेल वाला भी नहीं गया। नहीं, कॉर्पोरेशन नहीं ले रहा क्या? अच्छा, वॉश टाइम से चलेंगे। क्या है, माई होस्ट नेम है ना?
फेल हो गया ये दे रहा ना ये जर्नल सीरियल से इसको डाल के ऐसे खोलोगे तो देखो कहाँ पे दे रही है ये कह रहा है कि होस्ट नेम इतना बड़ा नहीं होगा मेल जा रहा है लेकिन डैन का जो सर्वर है ना ये इसका वो डीएनएस वो वाला सर्वर ठीक है ना वो रिजेक्ट कर दे रहा है कि आपका जो ये मशीन है ये एक मेल सर्वर नहीं है ऑथेंटिकेट वाला क्योंकि इसके लिए हमें प्रॉपर डोमेन नेम लेना पड़ेगा फिर इसका पब्लिक आईपी पॉइंट करना पड़ेगा इस पर जब जाके चलेगा कैसे भेज के ये तो दिखाया तो था मैंने इसको रोक दो सर कंट्रोल सी कर दो मतलब जान लो कैसे बनाते हैं ठीक है ना जरूरत नहीं है ये
ये होस्ट नेम है सर, माई डोमेन ही कर रहे थे ना हम लोग शुरू में, वही ना माई डोमेन। उसको इसको अनकमेंट करना, ये WS जो है ना ये टेस्टिंग वाले के लिए ना सर मेल बिल बंद रखता है सर, ऐसे कुछ बता रहा था अभी, कहाँ लाओ है सर। ऐसा तो नहीं कुछ चेंजिंग में कमी रह गई? नहीं, वन इन न्यूमेरिक डोमेन नेम इन दिस सोर्स कनेक्शन न्यूमेरिक नहीं लगा डोमेन। जीरो है ना .97.156 कनेक्शन रिफ्यूज दिखा रहा ना सर, अनेबल टू कनेक्ट टू रिमोट होस्ट।
कनेक्ट हो गया ना टेलनेट किया तो ऐसी ऐसी कोई पूछेगा तो यही बताओगे। टेलनेट से करते हैं सर राइट, यही पूछेगा ना एक कनेक्शन कैसे चेक करोगे क्या चेक करने के लिए बोलोगे सर्वर दूसरे सर्वर पे कौन सा पोर्ट ओपन है वो पोर्ट ओपन है कि नहीं है वो कैसे चेक करोगे टेलनेट से। टेलनेट कमांड से चेक कर लेंगे आईपी विद पोर्ट नंबर राइट। यहाँ से देखो ये vcaremail.com जो है ना ये सर्वर कनेक्ट नहीं हो रहा उसका। उसका vcaremail कनेक्ट नहीं हो रहा है। देखना तो मतलब यहाँ फोन लगा होगा मेरा आज। हाँ जी गुड मॉर्निंग बढ़िया निकलना है क्या गाड़ी। अच्छा मेल जा नहीं रहा ये AWS से समझ गए पर स्टेटस सेंड दिखा रहा है ऐसे कैसे स्टेटस सेंड क्यों दिखा रहा कर रहा है इसको सर। ये हो सकता है ना कि AWS से जो डिफॉल्ट जो मेल भेजने का है ना ब्लॉक रहता है। इसको काम करना तो मैं सिस्टम पे ना चेक करना है जो तुम्हारा वर्चुअल मशीन डाला है ना उससे मेल भेज के देखना है उस पर बना कर देखो। हाँ उस पर बना के भेजना है मेल जाएगा तो फिर हम लोग किसका DNS बनाएंगे किसका डोमेन डालेंगे। अब DNS में कुछ मत बनाना सीधा जैसे मैंने भी लिखवाया ना ये वैसे ही बना के भेजना वर्चुअल मशीन से वीकर प्रिपरेशन। हाँ सिंपल तब मेल चला जाएगा उससे। AWS ना ब्लॉक हो रहा है चला दिया मैंने इंस्टॉल हो रहा लेकिन उसका कमांड तो लंबा होता है ठीक है स्क्रिप्ट जैसे जैसे उसमें लिखना पड़ेगा आपको AMU DT mod ठीक है ना mod स्पेस -t और जाके कंप्लीट हुआ बहुत बड़ा है सर कमांड लिखवा दें। हाँ ये चला के भी तो दे सकते हैं सर। हाँ दे सकते हैं इसके लिए भी ऐसे मेल जाएगा नहीं जाएगा लेकिन चल तो जाएगा ही मेल नहीं जाएगा मेल देख नहीं रहे हो पूछ कर रहा है कनेक्शन लिख लो रहा है ये लगा ये मैंने ऊपर वाला विवेक को मेल भेजा अच्छा तो तुम देख सकते हो इस पर इस पे लिख रहा हूं
सर टेस्ट के बाद स्पेस दे देंगे ना, उसके बाद डिबेट कर देंगे सर ऊपर में जो टेस्ट है उसके बाद स्पेस देंगे ना फिर भी देंगे। हाय इमरान, अच्छा कोई नहीं नहा लीजिए, मैं याद दिलाने के लिए भूल गया था। सर टेस्ट के आगे जो ब्रैकेट बंद किए हैं आप डबल कोट का, उसके बाद स्पेस होगा फिर डबल कोट आईडी लिख दोगे। सर मॉड तो मैं इंस्टॉल कर दिया था पर ये बोल रहा है मॉड कमांड नॉट फाउंड। तुमने स्टार क्यों लगा देते हो हर चीज में? स्टार नहीं लगेगा। मॉट स्पेस के साथ दोगे ना हाइफन ई? डबल कोट सा कौन सा है? डबल कोट कहाँ हूँ मैं? ये है सर, बस ये वाला है ऊपर वाला है। हाँ मैंने ये आ रहा नहीं है, जब ये क्रोम से चलेगा ना तो अपने आप उठाएगा, ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप आ रहा है ना ये।
बस यहाँ पे ये तुम्हें टाइप करना पड़ेगा और वही हम किसी आउटपुट को रिडायरेक्ट करा देंगे ना, ये तो उससे भेज देगा। क्या काम नहीं कर रहा है क्या सर? ये बता दिया कि सब हो गया, ठीक है ना, सब्जेक्ट हो गया। अब इसको वाई होता है प्रेस करने का सेंडिंग के लिए, क्या दिखा रही है? यूएसआर बिन स्पेस भर गया क्या? तुम कुछ चेंजेस किए हो क्या इसमें पोस्टफिक्स वाले में? किसमें? पोस्टफिक्स वाले में ना, जो आप कहते हो वही। चेंज तो किया लग रहा है। बैकअप रखे हो? कहाँ रखे हो? इसी में जहाँ पे ओआरजी लगा दिया। इसको काम करने इसको अनइंस्टॉल करके ना दोबारा इंस्टॉल कर लेना। किसको? देखो ये क्या कर रखे हो तुमने, ये हैसेट आ रखे हो। किसका? ये पहले से है सर। ऐसा थोड़ी होता है। नहीं सर, इसका है सर, हम क्यों हटाएंगे? हटाई होगा, नहीं हटाओगे तो अजीब सा नहीं लग रहा है तुम्हें? ये कोई कमांड है? ये बार बार क्यों करना पड़ रहा है? इसमें देखो तुम काम कर दो, ये चला दो। सब्जेक्ट कहीं तो लिखना पड़ेगा ना, सब्जेक्ट के लिए हमने क्या करते इको करा दिया, ठीक है। एक लाइन में चला गया मेल। अच्छा ये तो हो गया कि वो हो गया, सब्जेक्ट कहीं से दोगे ना उसको, मतलब बॉडी तो उसका दोगे ना बॉडी, तो बॉडी का मतलब हमने कुछ भी लिख दिया, जैसे कुछ भी तुम्हें फाइल में लिखे हो उसी को तुम कैट करा दो और आउटपुट को आगे भेज दो। ये तो सर हमारा इस पे भी चल जाएगा ना, क्रोन पे? हाँ क्रोन के लिए तो यूज होता ही है, क्रोन के लिए यही यूज होता है। क्रोन में भी इको करके आउटपुट देना? आउटपुट करके भेजना ही पड़ेगा। अरे सब्जेक्ट तो कुछ दोगे ना उसको, तभी तो आगे पूरा राइट करेगा वो। जी भेज रहा है, अननोन दे रहा है। ये पता है इस मेल ना AWS वाले ना ब्लॉक करके रखते हैं। अच्छा हाँ, देख रहे हो ये डिस्कनेक्ट फ्रॉम अननोन, ये कहीं ना कहीं ब्लॉक होता है। ये तुम अपने ना एट ये अपना सिस्टम ले जाना और उसमें ऑफिस से करके देखना, चला जाएगा मेल। अच्छा ऑफिस से मतलब उसको वर्चुअल बॉक्स से? हाँ वर्चुअल बॉक्स में भेजना, देखना चल जाएगा 100%। समझ गया, इसलिए नहीं चल रही है। आगे ब्लॉक स्टोरेज वाला कर लें? आपके मर्जी, कर लो क्योंकि जरूरी है, ब्लॉक स्टोरेज वाला कर लेते हैं। बैठो देखो ये कमांड जब चलाओगे ना इसमें सब्जेक्ट तो हो गया लेकिन बॉडी भी तो चाहिए होता है ना, बॉडी के लिए भी वो तुम फिर मांगेगा। इस कमांड में सबसे पहले वर्ड से पहले, ठीक है ना, वो लगा दो, लिख लेना, इको कर दो और ब्रैकेट में लिख दो दिस इज का टेस्ट कर दो एंड ये फाइव्स है, ठीक है।
देखो जब ये हो जाए ना सुनो जी ऐसे बनाना तुम देखो ये तुमने ड्राइव एंड किया है ना जी इसको एलबीएम बनाना होगा ऐसे करके देखो ऐसे बनाना पीबी क्रिएट जो तुमने हार्ड ड्राइव ऐड किया होगा डेव एस एक्स डी बी वन आएगा जो भी आएगा देख रहे ना वैसे ही बनाओ पहले एलबीएम ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है स्टार्ट क्यों नहीं सर इसको स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो रहा नहीं नहीं वो चल रहा है ऐड है ना ऐड पोर्ट है यार डॉट पोर्ट है थ्री टू सिक्स जीरो ना पब्लिक टीसीपी ऐसे की पाइप क्या है 3260 है ना 3280 है क्या है वो 60 है डॉट पोर्ट है ऐड कमांड चला था नहीं नहीं चल रहा ऐड डॉट पोर्ट करना है डॉट नहीं होता कहीं भी स्टार्ट भी रीस्टार्ट भी करते हैं क्या रीलोड Thank you.
टाइम पे ऑफिस पहुंचेगा, ठीक है रे। समझ रहा है बात को, नहीं समझ रहा? मैं डायरेक्ट 5GB को बना दिया मैं। क्रिएट लॉजिकल वर्ड में कहाँ गया? अभी तो बहुत बाकी है यार, कितना महीना कोर्स चल रहा है? कहाँ गया यार? चलिए मेरा ठीक है। नीचे तो नहीं है क्योंकि तो हमको तो बताए हैं एयरपोर्ट पर। मैं तो अलग ही बना लिया, मैं तो अलग ही तरीके से बना दिया। इसमें नाम तो देना है ISCSI_VG। तो क्या हो गया, अभी 3 घंटा तो हुआ नहीं। क्या हुआ? वही तो,
भूखे मर रही है, दाना डाल दे। और मछली ऐसा जंतु है ना 24 घंटा खाने का सोचता है। कई गंदा हो जाएगा ना। खुराक ज्यादा सर मैंने वो तो किया है, पर इसमें जो नाम दिया है उसके जैसे नहीं किया, ये मैंने ऐसे कर लिया, ये 5 GB का ही बना दिया मैंने पीवी। अच्छा क्या नाम दिया तुमने, बीजी वन दिए हो? हाँ ठीक है, इसको पर वो उसके जैसे नहीं है, स्टैंडर्ड किया हूँ। फिर एलवी ग्रेड नहीं बनाया वो, एलवी इसके आगे था तो मैं रुक गया क्योंकि इसमें नाम देखा अलग है सर। कोई बात नहीं रहने दो, एलवी सेम है तो इस उसके ही जैसा सेम तो बन रहा है। हाँ हाँ वही बनाओ, वही बनाओ, ये कल करे इसको, छोड़ दे कल करो सर, पहले बना के ले आना तो ये एलवी तक ले जाऊंगा उसके आगे। हाँ एलवी तक बना के ले जाना। हाँ उसके बाद अभी फिर बहुत सारा काम है आगे, आगे बहुत आगे मैं नहीं बड़ा पूरा। इसको मैंने ऊपर तक देखा है तो बहुत ज्यादा है, ये सारा बहुत थोड़ा थोड़ा काम है ये। हाँ ये समझ रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है। एक घंटा लग जाए